Yeah.
वाहिगुरु जी का खालसा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना। गुरु दरबार सोने कीर्तन दरबार सजाए गए आप सारी संगता धनबाद जिन्होंने हर जस सुनिया हर जस गाया सात संगत जी आपके चरणों तो बेनती करना चाहते हैं। गुरु घर के सेवादार भाई साहब परमजीत सिंह जी गांधी एक बहुत बड़ी मुल्ली सेवा संभाल रहे हैं। वो बच्चों को पंजाबी सिखाने की क्लासेस लै रहे हैं। कल एक क्लास 3,500 आरंभ होगी समाप्ति तकरीबन 2 घंटे हो। जिस माई भाई ने अपने बच्चों को पंजाबी सिखानी हो जरूर गुरु दरबार हाजिर करिए सारियाँ बोलना बोलिए और अपनी माँ बोली कदम ना छड़िए। इस चीज़ में मुख रखते हुए जिन्हें बच्चे ने पंजाबी सीखनी हो लिखनी हो या शब्द गायन करने हो जरूर इतने हाजिर पर जी। दूसरी बेनती है आने वाले शुक्रवार को कीर्तन दरबार विशेष रूप से जो सजाया जाता संसद का वो नहीं होगा वो 6:15 तक समाप्ति होगी। यह कीर्तन दरबार 3:30 रूप शनिवार को आरंभ होगा 6:15 शामा पूरी समाप्ति 11:30 या 11 बजे होगी। जिस माई भाई ने श्रद्धा भावना का शब्द गायन करने हो या जिन्होंने कविताओं पढ़नी और अपने नाम लिखाओ शनिवार का विशेष कीर्तन दरबार 3:30 कीर्तन दरबार 6:15 आरंभ होकर 11:30 तक समाप्ति होगी। तीसरी बेनती है गुरु घर के सेवादार भाई साहब जगजीत सिंह कुकरेजा ने गुरु घर के ग्रंथी गुरमत विचार और गुरु घर के कीर्तनों कीर्तन की भेटा बहुत बड़मुली माया दोनों आदर सत्कार वजह भेजी है उन्होंने धनबाद चढ़ती कला बख्शे महाराज उन्होंने। तीसरी बेनती एक चौथी बेनती और प्रवान नहीं करनी जी गुरु घर के सेवादार ने बिल्डिंग फंड बेअंत माया 50,000 दे के गुरु बिल्डिंग फंड अपना हिस्सा सेवा अपनी सप्ली की है। जिन माई भाई ने गुरु बिल्डिंग फंड अपनी सेवा भेजी उन्होंने धनबाद जिन्हें नहीं कितने अपनी माया देवी सप्ली करनी जी। आओ आनंद साहब का पाठ करते हैं फिर कीर्तन दरबार की समाप्ति जी। वाहेगुरु जी का खालसा। बच्चों सारे बेनती है विद मेहताब सिंह सारे क्योंकि बच्चे बच्चे समझते हैं वीर जी परमजीत सिंह जी गांधी वरा ने एक बहुत अच्छा उपराला किया है। वीर जी ने उन्हें दसिया जन एक सिखी का बीज पाना किसी के अंदर बहुत बड़ी कृपा है। उस अकाल पुरख की संभाल करिए वीर जी सेवा च हाजिर ने उस चीज़ का लाभ जरूर उठाइए क्योंकि आप कवितावान पढ़ते हैं गुर इतिहास नाल जुड़े ने सिखी नाल जुड़े हैं सारा परिवार सिखी नाल जुड़िया हुआ है। तकरीबन सारे ग्रंथी सिंह रागी सिंह जिहड़े आउंदे ने संगत दे विच तां प्यार है ही है लेकिन ग्रंथी सिंह रागी सिंह नाल बहुत प्यार करते हैं। सब तो वड्डी गल है सिखी नाल प्यार करते हैं गुरु कृपा करन सिखी सदक नवे इहनां दी। और विशेष तौर पर बच्चों बेनती है टाइम कढ़ के जरूर इंट्रस्ट लैके पंजाबी सीखो जरूर ये कल्चर है ही इत्थे दे बाहरले मुल्कां दे विच लेकिन इनू एक्सैप्ट करदिआं फिर भी अपनी माँ बोली ना भूलो। जिवें वीर जी ने कहा सिख माँ बोली एक खून दे विच ब्लड दे विच हुंदी है माँ बोली पंजाबी। गुरु कृपा करे आपां सारिआं नूं मिले कोशिश करिए रोज़ आके वीर जीआं पासों पंजाबी सीखण दी पग सीखण दी होर कवितावां सीखण दी कीर्तन सीखण दी दसवीं इत्थे हजे 10-12 दिन रह गए अरदास दे दसवीं कीर्तन वास्ते भी हाजिर है सिखाण नूं पहला भी बच्चे आते सन क्लासा लगदिया सन। गुरु कृपा करे और कोई माई भाई शब्द सीखना हो जरूर जी सद के गुरु घर में यह धार्मिक एक टकसाल है इतने सारिया ने आके सीखना है सिख का मतलब है सीखते रहना अपने आप को फरोलते रहना। सो आओ गुरु कृपा करे आनंद साहब जी का पाठ करिए। मंसूर गुरु गोबिंद सिंह हक राग मंसूर गुरु गोबिंद सिंह सुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह शाह शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह राम कली महला की जान की ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया स्वामी